आपसे हुई है। आपको बता दें कि चुनावों से पहले जम्मू में इस तरह की आतंकी गतिविधियां तेज होने के बाद सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियां काफी बढ़ गई हैं और इस चीज को लेकर अभी देखा जा रहा है जल्द से जल्द आतंकियों तक पहुंचा जाए, क्योंकि ठीक सामने से तकरीबन जो है लेफ्ट साइड की बात करें तो 100 से 150 मीटर की वो पोस्ट है जहां पर सुरक्षा बलों पर जो है फायर हुआ। उस फायर के बाद से ही लगातार पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। तकरीबन 10:30 पौने 11 बजे की ये घटना है जिसके बाद से ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी और अब लगातार जो है कोशिश है कि उन आतंकियों तक पहुंचा जाए। अब देखिए इस अगर साल की बात की जाए तो 13 आतंकी हमले जम्मू संभाग में हो चुके हैं। वो आप देख सकते हैं लगातार तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं। अनिल यार साइड ऊपर आ यार, आप रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर देख रहे हैं जो शुरुआती इस्लाम की भारतीय सेना का जो यहाँ पर बेस है सुजवा बेस वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज डॉन मैसिव शॉट फायर किया गया। सुरक्षा बलों का एक जवान जो है फायर हुआ था, उस जवान के घायल होने के बाद से ही लगातार जो इलाके में ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों की कोशिश की जल्द से जल्द आतंकियों को मार गिराया जाए। आतंकियों की तरफ से संदिग्ध गतिविधि के बाद जो है वो फायर किया गया और लगातार शुरू से हम आपको विजुअल सिखा रहे हैं। ये विजुअल्स आप लगातार रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर देख रहे हैं। मगर तू आगे जा रहे, मैं तेरे आगे आया हूँ भाई। मैं they have been conveyed to stay inside their houses, even the